एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में ऑल डिटेल्स बताने वाला हूँ, जैसे कॉलेज की कट ऑफ कितना जाएगा, जेईई मेंस में कितना परसेंटाइल आएगा तो एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन फी कितना है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इससे पहले आप लोग को कॉलेज की थोड़ा टूर करवा देते हैं, उसके बाद आगे बात करें। तो जैसा कि देख सकते हैं बहुत अच्छा बिल्डिंग सब है, कितना अच्छा कैंपस है से सारा वीडियो में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए देखते आगे बढ़ते हैं। ये कॉलेज जो है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से जुड़ा हुआ है। इस कॉलेज की एस्टैब्लिश 2008 में हुआ है उद्घाटन। इस कॉलेज में वाईफाई की सुविधा अवेलेबल है। तो चलिए फी की बात करते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन फी कितना लगेगा, सेमेस्टर फी कितना लगेगा, सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन फी आपको 2500 रुपया देना पड़ेगा जब आपको एडमिशन कॉलेज में होता है तब, वन टाइम में। और सेमेस्टर फी या यूनिवर्सिटी फी जो बोले आप, तो उसका 3700 रुपया लगेगा। हाँ, अगर आप SC ST हैं तो ओनली 700 रुपया ही आप लोग को लगेगा। तो चलिए मेस चार्ज की बात करते हैं। तो आपको मेस चार्ज है 3000 रुपया मंथली लगेगा, और हॉस्टल चार्ज अलग से लगेगा। हॉस्टल कितना है बताते हैं, बॉय हॉस्टल 2 है आपको, इसमें टोटल 300 सीट है, और गर्ल हॉस्टल में टोटल सीट 150 है। अगर आप बॉय हैं तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कम मिलने की चांस है, और अगर गर्ल आप हैं तो मतलब फर्स्ट ईयर में आपको सीट मिल जाएगा हॉस्टल में। तो चलिए अब ब्रांच की बात करते हैं आगे, कि इस कॉलेज में कौन कौन ब्रांच आते हैं। तो इसमें ब्रांच, पहला ब्रांच आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, दूसरा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, तीसरा आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मिल जाएगा, चौथा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इसमें टोटल 4 ब्रांच है। तो इस कॉलेज में प्लेसमेंट की बात करूँ तो इस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा होता है, और अच्छा अच्छा पैकेज गया है इस कॉलेज में। तो इस कॉलेज में हाइस्ट पैकेज की बात करूँ तो इसमें हाइस्ट पैकेज जो है 15 लाख रुपया गया है। इसमें कंपनी कौन कौन आती है आपको बताते हैं, और जो 15 लाख का पैकेज है वो सिस्को में गया है, और इसमें जो कंपनी आती है वो है सिस्को, BSNL, NTPC, TRTC, एप्रॉन, ETC। इतना अभी कंपनी जो है इस कॉलेज में आ चुकी है और बच्चा सबको ले गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। तो इस कॉलेज की जो कट ऑफ की बात करूँ तो जेईई मेंस में 70 से लेकर 85% के बीच रहेगा तो इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो मान लीजिए थोड़ा कंप्यूटर साइंस का जो है वो बढ़ गया है स्कोप बिहार में, उससे पहले सिविल का था तो सिविल का उतना नहीं रहा, कंप्यूटर साइंस का है, तो फिर भी 70 से लेकर 85% के बीच है तो अगर, तो आपको एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, अगर कोई भी फिर भी डाउट रह गया तो हमें कॉमेंट में बताएँ, इस बात को हम आगे फिर वीडियो में मेंशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।